हेलो दोस्तों, Redmi Note 8 इसका मॉडल है और इसमें प्रॉब्लम है डिस्प्ले कनेक्टर ब्रोकन। डिस्प्ले कनेक्टर डैमेज हो गया है, यहाँ पे देख लो। तो इस कनेक्टर को अभी हम लोग रिप्लेस करेंगे और मज़ा का बात यह है कि इस कनेक्टर कहाँ से मैनेज करें। मार्केट में अगर नहीं मिल रहे तो कहाँ से मैनेज करें, है ना? बहुत ही आसान तरीका है मैनेज करना, आपको अभी फटाफट दिखाएगा। तो अभी दिखाएगा आपको, देख लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, इस कनेक्टर को निकालेंगे, है ना? तो दोस्तों फटाफट ब्लोअर से निकलते हैं कनेक्टर को। मेरा जो एयर है लगभग 3.5 इतना एयर है और इसका जो हॉट है ना 370। थोड़ा सा टाइम लेगा निकलने के लिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से निकालिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, मैंने निकल दिया इसको। अभी थोड़ा सा पीपीटी पेस्ट लगा के अच्छा से आयरन से हम लोग दोबारा सोल्डरिंग करेंगे इस कनेक्टर का ऊपर में, है ना? फिर आपको दिखाएगा कहाँ से मैनेज करें इस कनेक्टर। बहुत ही आसान है, आपका डस्टबिन में पड़ा होगा, वहीं से उठा लीजिए और मोबाइल को जल्दी जल्दी रिपेयर कर लीजिए, है ना? ये सब कनेक्टर बाजार में नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। हमारे यहाँ तो मिलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, इधर उधर मैनेज करना पड़ता है। और मेरा जो थिनर है ये डुको ये मार्केट में मिल जाता है, 1 लीटर का 250-300 रुपये लेता है, ठीक है ना? तो दोस्तों इसका इंतज़ार था हम लोगों का, किसे कौन सा कनेक्टर लगाए, कहाँ से मिले, है ना? तो यहाँ पे देख लो ये कौन सा मॉडल का साफ बोर्ड है। ये सैमसंग का साफ बोर्ड है, लेकिन कौन सा मॉडल का, इस सब बोर्ड का कनेक्टर यहाँ पे लग जाता है बहुत ही आसानी से। अभी आपको लगा के दिखाएगा, यहाँ पे देख लो। अगर मालूम नहीं चल रहा है तो वीडियो का एंड तक देख लो, फिर आपको मालूम चल जाएगा ये कौन सा मॉडल का कनेक्टर है, सब बोर्ड है, है ना? तो दोस्तों कनेक्टर निकलने का टाइम में भी उतना ही हीट रहेगा, उतना ही एयर रहेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लो, मैंने निकल दिया, है ना? बहुत ही आसान है, एक बार करिए, बहुत ही आसान है। फिर अभी Note 8 का जो PCB है यहाँ पे हम लोग डालेंगे, सेम तरीका डालने के लिए भी उतना ही हीट उतना ही एयर। ICs जिस तरह हम लोग लगाते हैं ना, सेम टू सेम उसी तरह ऑटोमेटिकली अपना जगह में वो बैठ जाता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देख लो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पे डुको थिनर डाल के टिश्यू पेपर से साफ करके आपको अच्छा से दिखाएगा। यहाँ पे देखो क्या मेरा ये कनेक्टर लगाना परफेक्ट सही हुआ कि नहीं, यहाँ पे देख लो, ठीक है ना? और आगे चेक करने के लिए मेरा डिस्प्ले नहीं है तो वीडियो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, ये दुकानदार का सेट है, वो बाद में डिस्प्ले लगा लेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए।